नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हो या तो आपके मोबाइल में जो इनबिल्ट ब्राउज़र है वो यूज़ कर रहे हो, तो दोस्तों आपको एडवर्टाइज का बहुत सारा प्रॉब्लम आता होगा। और दोस्तों, नहीं चाहते हुए भी कई सारी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाती है। दोस्तों, आज मैं ऐसे 5 बेस्ट ब्राउज़र के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपको एड ब्लॉक का तो इनबिल्ट सिस्टम दे ही रहा है और साथ ही के साथ में बिल्ट प्राइवेसी भी दे रहा है, मीन्स की उस ब्राउज़र में आपको प्राइवेसी भी मिलेगी। सो इन 5 में सबसे पहले ब्राउज़र के बारे में बात करो तो सबसे पहला ब्राउज़र है ब्रेव ब्राउज़र। सो इस ब्राउज़र की इनबिल्ट सिस्टम कुछ ऐसे सेट की गई है कि आप जब भी इस ब्राउज़र को यूज़ करेंगे तो आपको कोई भी एडवर्टाइज वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। ये ब्राउज़र बिल्कुल ही गूगल क्रोम जैसे यूज़ करने को ईजीली है और आप यूज़ कर सकते हो। नंबर पर है फायरफॉक्स ब्राउज़र। सो फायरफॉक्स के बारे में आप सब जानते होंगे, तो फायरफॉक्स पहले पहले विंडोज़ के लिए और आपके पर्सनल कंप्यूटर वगैरह में आप फायरफॉक्स यूज़ करे होंगे। और दोस्तों, अभी ये ब्राउज़र आपके मोबाइल में गूगल प्ले में भी उपलब्ध है और गूगल प्ले में जाकर आप फायरफॉक्स डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, इस ब्राउज़र में आप मैन्युअली सेटिंग कर सकते हो कि हमें ऐड नहीं चाहिए, मीन्स की अंदर ऐसा सेटिंग होता है कि आप अंदर सेटिंग में जाकर ऐड ब्लॉक कर दोगे तो आपको कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों, आप इजीली ब्राउजिंग का लुत्फ उठा सकते हो और उसमें कोई भी आपको ऐड देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, थर्ड नंबर पे है आर्मरफ्लाई। दोस्तों, आर्मरफ्लाई ब्राउज़र भी आप गूगल प्ले पर जाकर चेक कर सकते हो, ये ब्राउज़र भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस ब्राउज़र की एक अच्छी चीज़ है कि अगर कोई भी नोटिफिकेशन आपके ब्राउज़र वगैरह में आती है तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको सभी न्यूज़ वगैरह आपको दिखाई देगा। और दोस्तों, इस ब्राउज़र में मैंने आगे जो 2 ब्राउज़र के बारे में बात की, ऐसे ही कुछ एड ब्लॉकिंग के सिस्टम है और आप यूज़ करोगे तो एड को एडवर्टाइज देखने को नहीं मिलेगी। सो फोर्थ नंबर पर है ओपेरा ब्राउज़र। दोस्तों, ओपेरा ब्राउज़र तो आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे पहले आपने जब भी फ़ोन यूज़ किया होगा तो सबसे पहले ओपेरा ब्राउज़र ही चलता था। और दोस्तों, पीसी में भी सब लोग ये ओपेरा ब्राउज़र को बहुत सारा ब्रॉडली यूज़ कर रहे थे। और दोस्तों, अभी ये ब्राउज़र गूगल प्ले स्टोर पर भी आपको मिल जाता है। दोस्तों, इस ब्राउज़र में भी फायरफॉक्स के जैसे ही सेटिंग भी कर सकते हो कि हमें एडवर्टाइज नहीं चाहिए, और ये ब्राउज़र भी यूज़ करने में बहुत इजीली है और फास्ट भी है। सो 5th नंबर पर है फायरफॉक्स फोकस। तो दोस्तों, ये कुछ मोज़िला फायरफॉक्स का ही एक और ब्राउज़र है फायरफॉक्स फोकस। दोस्तों, इस ब्राउज़र की मैं बात करूँ तो इस ब्राउज़र की जो मेन फंक्शनलिटी है उसकी बात करूँ तो दोस्तों, ये ब्राउज़र कुछ आपको प्राइवेसी के लिए मेनली फोकस करता है। और दोस्तों, इस ब्राउज़र की मैं बात करूँ तो आपके प्राइवेसी लाइक बीप ट्रैकिंग नहीं होने देता है आपके ब्राउज़र से, और एडवर्टाइज भी इसमें ब्लॉकिंग होती है। दोस्तों, ये जो लास्ट वाला ब्राउज़र है दोनों ही चीज़ आपको ब्लॉक करती है, आपकी प्राइवेसी भी अच्छी रखती है और इसके साथ आपकी एडवर्टाइज वगैरह जो आती है ब्राउज़र में वो सब ब्लॉक हो जाती है। ये कुछ 5 ब्राउज़र थे जो आप यूज़ करोगे तो इस ब्राउज़र में एडवर्टाइज वगैरह नहीं आएगी। सो आप इजीली सब कुछ ब्राउजिंग कर सकती हो और सर्च वगैरह करना हो तो इसी ब्राउज़र में करो तो एडवर्टाइज वगैरह देखने को नहीं मिलेगी, और आपको यूज़ करने में भी ये सभी ब्राउज़र ईजीली है। जैसे कि आप अभी गूगल क्रोम यूज़ करो, इसके जैसे ही कुछ आप ये 5 ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।